गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 6 में आपको ओमी परिपथ, अनओमी परिपथ, धातुओं, मिश्र धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं की प्रतिरोधकता एवं चालकता की चर्चा करेंगे तथा वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा एवं वैद्युत सामर्थ्य की भी चर्चा करेंगे। साथ में प्रतिरोधों को यदि श्रेणी अथवा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। आइए, हम पिछले एपिसोड में आपको चर्चा किए थे ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपके ओम के नियम का फॉलो कर रहा है। तो परिपथ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, और दूसरा होता है अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या है बच्चों? ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें हम ले लेते हैं ओमीय परिपथ के लिए, ओमीय परिपथ में अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचें तो आपका विभवांतर होता है और इधर आपका धारा होती है I, और इसके बीच में अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अगर सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो भी प्रोपोर्शनल I है। अगर एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यह है कि भी प्रोपोर्शनल I है। भी प्रोपोर्शनल I है, इसका मतलब क्या है? ओम के नियम का पालन हो रहा है। अतः ओमीय परिपथ है। दूसरी स्थिति ऐसी होती है बच्चों, ज्यादातर सर्किट जो होती हैं घरेलू यूज के लिए वो सभी ओमीय परिपथ पर आधारित होती हैं। दूसरा होता है अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ इसमें धारा और विभवांतर के बीच में, जैसे आप टॉर्च के लिए, टॉर्च का जो परिपथ होता है वह क्या होता है? कुछ इस कैटेगरी में होता है, वक्राकार होता है। विभवांतर इधर ले लीजिए और धारा आप इस साइड में ले लीजिए आई, तो आपको यह वक्र प्राप्त होता है, यानी भी है ना, या प्रोपोर्शनल आई ना होकर के बल्कि आई स्क्वायर या आई क्यू या भी प्रोपोर्शनल अंडर रूट आई के रूप में होता है, या आपका जो होता है या भी प्रोपोर्शनल अंडर रूट आई होता है, यानी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपका जो डायोड होता है, डायोड के लिए अगर हम खींचे दोनों में विभवांतर, और इस साइड में आपको धारा लेंगे आई भी, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस कैटेगरी का ग्राफ बनता है, इस कैटेगरी का डायोड में ग्राफ बनता है।
ये होता है भी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर या आई क्यू भी हो सकता है, लेकिन इसमें आई स्क्वायर होता है। अतः अनओमी परिपथ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ होता है। अब हम चर्चा करेंगे चालकता या प्रतिरोधकता की। इसमें आप जानते हो कि R बराबर होता है ML अपान यानी स्क्वायर ए टाउ। ये आपका होता है यानी स्क्वायर आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपान टाउ। इसका मतलब यह है कि ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध घटता जो है वह क्या होगी, वह बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्योंकि धातुओं में क्या होता है, सामान्यतः आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे फिक्स होते हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन घटते और बढ़ते नहीं है। तो धातुओं में आप लिखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उसकी प्रतिरोधकता यानी उसकी चालकता प्रतिरोधकता जो होती है वह क्या होती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। परंतु अर्धचालकों में क्या होता है, कुछ होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे ही उनको ताप दिया जाता है तो अर्धचालकों में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो सांद्रता है वह बढ़ने लगती है। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम होती है। अगर ताप को अगर बढ़ाया जाए तो उसकी जो है प्रतिरोधकता अर्धचालकों की कम होती है। इसी तरह से वैद्युत अपघट्य पदार्थ में भी होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या होता है, जैसे ही आप ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, सॉल्यूशन होता है, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता क्या होगी, कम होगी। जब श्यानता कम होगी तो उसके जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन वह मुक्त रूप से ज्यादा चल फिर सकते हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल फिर सकते हैं तो उससे जो है वह क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल फिर सकते हैं तो आवेश की मात्रा, आवेश की सांद्रता यानी कह सकते हैं धारा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ की भी चालकता अथवा प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है। मिश्र धातुओं में क्या होता है बच्चों, मिश्र धातुओं में अगर शुद्ध शुद्धाम धातुओं को लेते हैं तो ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है, पर मिश्र धातुओं में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध उस हिसाब से नहीं बढ़ता। उसका कारण यह होता है कि मिश्र धातुएं जो है वह एक ऐसे संगठन से मुक्त की गई रहती है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन उनकी उस तरह से धातु की तरह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, इसलिए उसकी प्रतिरोधकता धातुओं जैसी नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें नाइक्रोम का, आपने देखा होगा हीटर वगैरह में, प्रेस वगैरह में नाइक्रोम का मिश्र धातु यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आपका मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है इत्यादि का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको मिलेंगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वैद्युत शक्ति और सामर्थ्य की।
वैद्युत शक्ति और सामर्थ्य क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा आपको पता है कि भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यानी विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश की मात्रा। यहां से आपका डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू इंटू भी, यानी कह सकते हैं प्रति एकांक या एकांक आवेश को किसी चालक में प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया एकांक आवेश द्वारा कृत कार्य उस विभवांतर या उस विभव के बराबर होता है जो उस चालक के सिरों का होता है। क्या कहलाता है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो यहां से आप लिख सकते हो W बराबर Q इंटू V। अब हमको पता है Q बराबर होता है I इंटू T, तो इसको आप अगर इस रूप में लिखें तो यह हो जाएगा V I T। ये आपका एक सूत्र बना V I T, बट ओम के नियम से V बराबर I इंटू R लिखा जा सकता है, तो इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है I इंटू R इंटू आई इंटू टी, यानी ये क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, बट हमको पता है कि भी आई बराबर क्या होता है भी बाई आर। अगर हमें इस रूप में लिखना हो तो डब्ल्यू स्क्वायर टू हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये आपकी वैद्युत ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी वैद्युत ऊर्जा है बच्चों। अब हमको निकालना है वैद्युत सामर्थ्य। तो वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। प्रति एकांक समय में व्यय वैद्युत ऊर्जा वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, P बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी। अब ये सारे सूत्रों को आप लिख सकते हैं वी आई टी बटा टी, तो आपका कैंसिल हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा वी आई। आगे है आपका P बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई टी, P बराबर वी आई टी तो आपने लिख लिया है आई स्क्वायर आर टी अपान टी, P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। P बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी अपान टी, ये आपका टी कैंसिल, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपके सामर्थ्य के फार्मूला हो जाएंगे। अगर यही आपको वैद्युत ऊष्मा के रूप में निकालना हो बच्चों, तो ये जो आपके वैद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं, अगर वैद्युत ऊष्मा के रूप में आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर इसी को हमें वैद्युत ऊष्मा के रूप में निकालना हो, वैद्युत ऊष्मा, तो वैद्युत ऊर्जा की जितने भी सूत्र है इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक हीट के रूप में अगर निकालना है तो जितने भी फार्मूला हैं उसमें हम क्या करेंगे, एच बराबर हो जाता है डब्ल्यू बटा 4.2 कैलोरी का, इसमें जूल को हम बदलेंगे किसमें, कैलोरी में, यानी हो जाएगा वी आई टी अपान 4.2, एक फार्मूला बन जाएगा। दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2। तीसरा फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी,
इसमें हम 4.2R लिख सकते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण फार्मूला का डेरिवेशन हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में आपका काम देगा। एक प्रश्न इसमें आता है, एक यूनिट बिजली, घरों में जो बिजली मापी जाती है बच्चों, वह यूनिट में नापी जाती है, उसका मतलब क्या होता है? एक किलोवाट बिजली यदि प्रतिदिन, एक किलोवाट बिजली प्रति घंटा अगर यूज की जाती है, तो उससे प्राप्त जो वैद्युत ऊर्जा होती है वह एक यूनिट कहलाती है। यानी एक यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट का मतलब हुआ एक किलोवाट घंटा, ठीक है? एक यूनिट का मतलब है एक किलोवाट घंटा। अब आपको जो सूत्र है, एक यूनिट आप निकाल सकते हो, किलोवाट घंटा, एक किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। एक घंटा में कितना सेकेंड? 60 × 60। इसको हल करोगे तो 3600 × 10³ या आप पूरा हल करोगे 3.6 × 10⁶ जूल। हम कह सकते हैं एक यूनिट जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसमें 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होती है, ठीक है बच्चों? ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। और यहां भी पढ़ रहे हैं तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा और काफी यूज होने वाला है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप लोग हाई स्कूल के बच्चे भी ध्यान देंगे इसको, तो ये होगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। हाई स्कूल में भी ये काफी इंपॉर्टेंट था और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों? तो ये प्रतिरोध को जोड़ना होता है, ये दो तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दूसरा समांतर क्रम में। तो दो प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में बोलेंगे इन सीरीज और इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो एक सीरीज में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, श्रेणी क्रम में। कैसे आप जानेंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है? यहां पर देखो, एक आपका क्या है, बैटरी है, बैटरी का यह धन सिरा है, ऋण सिरा है, इसमें से दो प्रतिरोध जोड़े गए, दो से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, ऐसे इसकी पहचान क्या है कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? हमेशा बैटरी के धन सिरे से धारा बहती है, कहां से धारा बहती है? धन वाले सिरे से बहती है। तो आई एम्पियर की धारा यहां से बह रही है, तो बताइए जो तार तो आपका यही है, जो धारा R1 में से बहेगी वही R2 में से बहेगी ना। तो अगर धारा एक ही बहती है किसी भी प्रतिरोधों में, अगर एक ही धारा बहती है तो वह दोनों क्या होते हैं? दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये दो से ज्यादा 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, अनंत भी हो सकते हैं। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उन सब को लेंगे, इनमें धारा की मात्रा क्या होती है? समान होती है। इस बैटरी का विभव हमने मान लिया है भी है। अब इसमें क्या होती है, श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा की मात्रा समान होती है परंतु विभवांतर अलग अलग होता है।
इसका विभवांतर हम वी वन ले ले रहे हैं, इसका विभवांतर वी टू मान ले रहे हैं। तो आपको मालूम है क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देख सकते हैं वी बराबर क्या है, टोटल वी वन प्लस वी टू, यानी टोटल बैटरी का जो विभव भी है वह कुछ वी वन में होगा कुछ वी टू में होगा। तो ये हो जाएगा वी बराबर आई इंटू आर, तुल्य प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं आर है, ये आपका हो जाएगा आई आर वन, ये हो जाएगा आई आर टू। अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों, आई आर वन प्लस आर टू, तो दोनों तरफ कट क्या गया आई, तो आर बराबर क्या मिला आर वन प्लस आर टू। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध मिलता है, ठीक है ना। अब दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, ये आपकी बैटरी होती है या धन या ऋण भी विभव है, इसमें जो है इस तरह से जुड़ा होगा, ये आपका सिस्टम बदल जाएगा ऐसे, अब आप देख सकते हैं जो धारा यहां से निकलेगी आई वह यहां तक तो ठीक ठाक आई होकर के आएगी, पर यहां से दो तार जुड़े हैं, अब धारा का बंटवारा हो जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा इधर जाएगी, आई वन धारा इधर जा रही है आई टू इधर जा रही है, आर वन इसका प्रतिरोध आर टू इसका प्रतिरोध, अब ये दोनों आई वन और आई टू फिर यहां मिलकर के क्या हो जाएगी, आई धारा बन के चलेगी, समझ रहे हैं कि नहीं, आई टू इधर से जाएगी आई वन इधर जाएगी, दोनों फिर मिल जाएंगे फिर आई हो जाएगी, है ना। तो जब धारा का बंटवारा हो जाता है तो वह जो क्रम होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम होता है, और जब धारा एक ही होता है विभव अलग अलग होता है तो श्रेणी क्रम होता है। इसमें क्या होता है, विभव एक ही होता है, इसका भी विभव भी है इसका भी विभव, समांतर क्रम में विभव एक ही होता है धारा अलग अलग होती है। तो यहां से हम देख सकते हैं आई बराबर क्या है आई वन प्लस आई टू, ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है वी बटा आर होता है, तो यहां हो जाएगा वी बटा आर, यहां से हम लिख सकते हैं वी बटा आर वन और यहां से लिख सकते हैं वी बटा आर टू। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों तरफ भी कॉमन लो वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, तो भी दोनों तरफ से जब कट जाएगा तो वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेडिकल वगैरह में वैसे भी जरूरी है। इसके बाद कल अगले दिन जो आपका सातवां इसका पार्ट होगा वह कार्बन का वर्ड कोड लेकर के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।